क्रांति के बाद बिहार में एक बार फिर से जोड़ तोड़ वाली सियासी बयानबाजी तेज होने लगी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं के लिए सरकार को दोषी बताते हुए बीजेपी और जेडीयू पर हमला किया है। अजीत शर्मा ने कहा है कि बिहार में अपराधियों के तांडव के लिए सरकार जिम्मेवार है। बीजेपी दबाव के कारण नीतीश कुमार की चल नहीं पा रही है। बीजेपी चाहती है कि गृह विभाग नीतीश कुमार से ले लिया जाए। अजीत का दावा है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों दल उधेड़बुन में लगी हैं। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार और जेडीयू के पास एक ही विकल्प है, महागठबंधन। नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा बने और महागठबंधन के सभी घटक दल मिलकर बिहार का विकास करेंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं और चाह कर भी वो सरकार में कोई काम नहीं कर पा रही है। अजीत शर्मा के बयान के बाद बिहार की सियासत में कड़ाके की ठंड में भी गर्माहट बढ़ गई है। अजीत शर्मा के इस ऑफर पर बीजेपी और जेडीयू दोनों ने आपत्ति जताते हुए कांग्रेस और महागठबंधन पर हमला किया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, मान न मान और मैं तेरा मेहमान। महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी आज अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के सामने दंडवत है। तो वहीं बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने कहा कि अजीत शर्मा की पूछ अपनी ही पार्टी में नहीं हो रही है, उनके विधायक उनकी बात नहीं मान रहे हैं तो वे चर्चा में रहने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। एनडीए एकजुट है और महागठबंधन के लोग किसी मुगालते में ना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।